वेलकम टू किचन रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं एक खट्टी रोल। ये कोलकाता का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। इसके लिए हमें लगेगा आटा और मैदा से बना हुआ डव, लंबे कटे हुए प्याज, लंबे कटे हुए खीरा, सॉस जैसे कि रेड चिली सॉस, रेड टोमेटो सॉस, नमक, चाट पाउडर, बारीक कटे हुए मिर्ची, मिर्ची पाउडर और दो अंडे। सबसे पहले हम एक कप मैदा और दो कप आटा मिलाकर एक डव बना लेंगे। तो हम मैदा को आटा में मिला लेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के लिए और पानी डालकर अच्छा से एक डव बना लेंगे। इस तरह हमने आटा और मैदा को अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे और ऊपर से थोड़ा तेल डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे और 15 मिनट बाद इसकी रोटी बनाएंगे। अब इस तरह हम आटा ले लेंगे, ये जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ा होगा, और उसके बाद उसे तेल में डिप करके हम बेल लेंगे। इस तरह हम रोटी बना लेंगे और अब तवा गरम करके उसमें तेल डाल देंगे। इसके बाद रोटी डाल देंगे। हम इसे 1 से 2 मिनट तक तवे पे सेकेंगे, उसके बाद इसे पलट देंगे इस तरह और दूसरी तरफ भी सेकेंगे, दूसरी तरफ को भी इस तरह सेक लेंगे। कॉर्नर को ऐसे चम्मच से दबा दबा कर हम सेकेंगे ताकि कुछ भी कच्चा ना रहे। इस तरह हमारा रोटी अब पक चुका है। अब हम इसे रोल बनाएंगे। इस तरह मैंने 2 एग को फोड़ लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक मिला देंगे स्वाद अनुसार, और उसके बाद उसे अच्छे से मिला लेंगे इस तरह। हमने 1/2 टीस्पून तेल डाल के पैन को गर्म कर लिया है। अब हम उसमें एग डाल देंगे और उसे फैला लेंगे इस तरह। एग को 30 से 40 सेकेंड हम पैन में पका लेंगे। इस तरह हमारा एग पैन में पक चुका है एक तरफ से। हम अब उसमें अपना रोटी डाल देंगे इस तरह और उसे चम्मच से इस तरह कर पकाएंगे, और उसके बाद हम इसे एग के साथ पलट देंगे और दूसरी तरफ से सेकेंगे इस तरह। इस तरह हमारा रोल पक चुका है अच्छे से। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग के लिए हमने ले लिया है खीरा बारीक कटे हुए इस तरह लंबे लंबे, इसे हम बीच में लगाएंगे इस तरह। फिर बारीक कटे हुए लंबे लंबे प्याज इस तरह हम डाल देंगे। इसके बाद हम सॉस डालेंगे। मैंने लिया है ग्रीन चिली सॉस, रेड टोमेटो सॉस, अगर आपको और तीखा चाहिए तो बारीक कटे हुए चिलीज डाल देंगे इस तरह। और थोड़ा सा चाट पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर से इस तरह। हमारी स्टफिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे रोल करेंगे। रोल करने के लिए सब बीच में ले आएंगे और उसके बाद फर्स्ट टाइम वाला ऐसा लेंगे ताकि ये सब इसके अंदर आ जाए, और अच्छे से कड़क से इसको हम रोल करेंगे ताकि ये निकले ना इस तरह इस तरह। इस तरह हमारा एग रोल तैयार हो गया है। मैंने उसे टिश्यू पेपर में रोल कर लिया है ताकि खाते समय हाथ में सॉस ना आए, और आप इसे कभी भी बना सकते हैं टिफ़िन में, लंच में, डिनर में। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।